जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो आज है छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ का दिन। तो आज जो है संध्या अर्घ दिया जाएगा। अभी हम नहा करके फ्रेश हो गए हैं और हम किचन में भी जाएंगे खाना बनाने के लिए। मम्मी नीचे जो है प्रसाद यानी ठेकुआ वगैरह मम्मी बना रही है। हर साल हम भी मम्मी की मदद करते थे बट इस साल हम नहीं कर रहे, अगले साल से करेंगे। अब अगले साल हम यहाँ रहते हैं या ससुराल में नहीं पता, बट अगले साल से हम लोग करेंगे। और बाकी हम आपको यही बताएंगे कि सूर्योदय की पूजा तो हर कोई करते हैं, लेकिन हमारे जो छठ पूजा में है सूर्यास्त की पूजा भी होती है। तो वो हम आप लोग से शेयर करेंगे कि किस तरह से सूर्यास्त की पूजा होती है, सूर्योदय भगवान जब अस्त होते हैं तो हम पूजा करते हैं और क्या क्या इसकी तैयारियाँ होती है। तो आज के ब्लॉग में यही शेयर करेंगे। हमारे छठ पूजा का जो महाप्रसाद होता है क्या क्या होता है, क्या क्या बनता है, किस तरह से हम लोग डाला सजाते हैं, सफाई होती है, हम सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि क्यों इसे महापर्व बोलते हैं, कितनी सफाई के साथ ये महापर्व मनाया जाता है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मेरी मम्मी जो है दंड प्रणाम भी करती हैं छठ पूजा में, क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, हम सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को भी आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पे जो है सारा छठ पूजा का जो भी सामान है, फल और जो भी हम लोग कल हाथी सूप वगैरह खरीदते फल, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। इसके ये जो है अभी पूरा सब धोया जाएगा, अच्छे से साफ़ किया जाएगा। पिठार सिंदूर से इन सबको जो है ना सजाते हैं हम लोग डाला को। तो अभी हम आगे धीरे धीरे दिखाएंगे, जैसे जैसे जो जो चीज़ें होंगी ना हम आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे कि कैसे हम लोग डाला सजाते हैं और क्या क्या होता है हम लोग का। और ये दीदी पूरा यहाँ पर साफ़ कर रही है क्योंकि मम्मी शाम में दंड प्रणाम देगी, तो ये पूरा एरिया साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो पूरा साफ़ सुथरा हो गया है, तो अभी बस सफाई में ही लगे हुए हैं सब कोई। प्रसाद बनना शुरू हो गया। ये इसका क्या बनेगा मम्मी? इसका चावल का मुट्ठा बनेगा। हाँ, ये इस... हम लोग भुसवा बोलते हैं। ये चावल है, इसी का चावल का मुट्ठा है, उसको हम लोग भुसवा बोलते हैं, वही बनेगा। तो अभी मम्मी सुबह सुबह नहा करके बैठ गई है बनाने के लिए। और ये है चावल का आटा का भुसवा, हम लोग बोलते हैं इसको। और अब मम्मी ठेकुआ बनाने की तैयारी कर रही है। तभी आटा को अच्छे से मथ रही है, फिर मम्मी बनाएगी ठेकुआ इसका। और बस यहाँ पर फिर ठेकुआ मम्मी जो बनाने लगती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी पैर ऐसे सीधे करके क्यों कर रही है, पालथी क्यों नहीं कर रही है। तो उनके पैर में प्रॉब्लम है, वो पालथी नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए मम्मी इस तरह से बनाती है। और ये जो व्रत करते हैं ना वही बनाते हैं, क्योंकि मम्मी अभी घाट पर चढ़ाने वाला ठेकुआ खुद बनाएंगी। तो नीचे तो हम आपको दिखाएं कि नीचे कैसे सफाई हो रहा है, अब छत पर दिखाते हैं कि छत पर भी दीदी पूरा जो है सफाई तो करी। सफाई हो गया ना दीदी पूरा? हाँ, ये पूरा पहले छत दिखाते हैं। देखिए पूरा छत का सफाई हो गया है। और यहाँ पे है घाट तैयार है हम लोगों का। और बाकी ये पूरा डेकोरेशन हो रहा है, ये पूरा हम लोग छत को संभाल अच्छे से सजा रही है। दीदी सजाती है सारा। पिछले साल हम सजाए थे नहीं दीदी, इस साल तुम सजा रही है, फिर अगले साल हम सजाएंगे। और ये है घाट, ये घाट है हम लोगों का, छोटा सा प्यारा सा घाट है। इस साल या एक दो साल का मम्मी बोल रही थी कि यहाँ पे एक स्विमिंग पूल जैसा बना देंगे, फिर उसी में छठ पूजा होगा। और देखिए अभी तक बन ही रहा है ठेकुआ, टाइम लगता है काफ़ी बनने में, बहुत सारा प्रसाद बनता है क्योंकि ये पर्व ऐसा है ना कि इसमें लोग जो है ना बिना बुलाए भी आकर के प्रसाद मांगते हैं, मांग मांग के इसमें लोग प्रसाद खाते हैं, इतना बड़ा इतना महत्व होता है इस पर्व का। महापर्व बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते महापर्व इसे, इसमें लोग शर्माते नहीं है कि जाएँ कोई ठेकुआ प्रसाद देगा नहीं देगा, मांग मांग करके लोग खाते हैं प्रसाद। तो अब मम्मी का यहाँ साथ सपना भी दे रही है, सपना भी नहा के फ्रेश हो गई, अब मम्मी के साथ सपना भी ठेकुआ बना रही है। सपना तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस है ना ठेकुआ बनाने का? हाँ, पहली बार सपना ठेकुआ बना रही है। सपना यूपी की रहने वाली है लेकिन सपना को छठ पूजा के बारे में नहीं पता है, सपना अब सब जान रही है धीरे धीरे, क्योंकि इन लोग के घर में नहीं होता ना। लास्ट में मेरा भाई भी आता है बनाने के लिए, वो भी बोला था कि मम्मी इस बार हम भी बनाएंगे। तो सपना जो है सारा ठेकुआ करके रखती है, फिर वो बोलता है मैं इसको फ्राई कर देता हूँ अच्छे से, तो बस वही तल रहा है आराम से। और ये अब डाला सजने का तैयारी शुरू हो गया है यहाँ पे। अभी पहले सूप सजाया जा रहा है, दिखाएंगे आपको कैसे सजाते हैं डाला और सूप को। और अब सबसे पहले जो है सारा सूप में पिठार लगाया जाता है, तो अभी दीदी सब में अच्छे से पिठार लगा रही है। और फिर इस तरह से सूप में सिंदूर का स्वास्तिक बना करके सजाते हैं, शुभ चिन्ह कुछ भी, कोई भी शुभ चिन्ह ना। तब सारा सूप इसी तरह से सजेगा, भी तीन उंगली लेके पांच या तीन कुछ भी चलेगा, कैसे भी कर सकते, तीन पांच दस कुछ। यहाँ पे कलश में भी अच्छे से पिठार लग गया और अब सूप में भी लग रहा है। जितना भी अर्घ का होता है जो भी सूप होता है सब में लगेगा पिठार, सबको सजाएंगे अच्छे से।
तो अरक का जितना भी है कलश और सब में लग गया, अभी जितना भी फल और है सब पे अच्छे से पिठार और सब कुछ छीटा गया, सब कुछ लगाया गया अच्छे से पिठार सब, इधर सूप और पे अंकुरी और सब। अब धीरे धीरे बारी बारी करके सब पे एक एक फल, जितना फल है सारे सूप डलिया और कलश में बांटा जाएगा। तो इस तरह से डाला सूप को सजाया जाता है, जितना भी फल जो भी हम लोग कल खरीदारी किए थे सब कुछ चढ़ता है, जितना भी सब सारे सूप डलिया और में बांट देते हैं इसको अच्छे से। अभी ठेकुआ और सब कुछ इसमें रखाएगा। फिर सजने के बाद दीदी जो है उन सबको दौरा में रख करके लेके छत पे आती हैं। शाम हो गए हैं और संध्या अरग का टाइम हो गया और हम भी पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, तो आज हम ये वाली साड़ी पहने हैं। और अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि मम्मी जो है दंडवत प्रणाम करती है, कहाँ से करती, कैसे करती, क्यों करती है, तो अभी हम सब आप लोग को दिखाते हैं अच्छे से। तो चलिए अभी हम आप लोग को सीधे वहीं ले चलते हैं जहाँ पे मम्मी दंडवत प्रणाम कर रही है, फिर उसके बाद हम अरग के टाइम पे अरग की जगह ले चलेंगे आप लोग को। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। तो आइए अब हम आप लोग को दिखाते हैं कि दंडवत प्रणाम क्या होता है। तो अभी मैं घर से बाहर निकलती हूँ और ये देखिए मेरी मम्मी दंडवत प्रणाम कर रही है। ये हर कोई नहीं करता, जो छठी मैया से मन्नत मांगते हैं ना वही करते हैं। तो आज से मतलब मुझे लगता है 12-13 साल हो गए इस बात को कि मेरे पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त डॉक्टर ने बोला था कि पैर काटना पड़ेगा, और तभी मम्मी ने जो है छठी मैया से मन्नत मांगा था कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं आपको जो है 10 साल तक दंडवत प्रणाम दूंगी। तो ये साल जो है ना मम्मी का 11वां साल हो गया, मम्मी बोली 10 साल नहीं करते, तो ये 11वां साल है जो मम्मी जो है दंडवत प्रणाम कर रही है। और यकीन मानिए ना तो उसने कुछ खाया है ना पिया है, कुछ भी नहीं करते हैं इस व्रत में, और उसके बाद इस तरह से दंडवत प्रणाम करते हुए घाट तक जाना बहुत ही कठिन होता है। तो आप समझिए कि क्यों छठ पर्व को जो है महापर्व कहा जाता है, यही एक कारण है कि छठी मैया तो सबके जो है दुख को हर लेती है, सबकी कामना पूरी करती है, लेकिन आप में क्षमता होती है जो आप छठी मैया को बोलते हो वो करने की, तो बस भूखे प्यासे आप जो भी छठी मैया से मांगो वो देती हैं, और बस फिर बारी आपकी होती है कि जब आपकी जो मनोकामना है पूरी हो जाए तो बदले में आपने जो छठी मैया को बोला था वो आप जरूर करें। तो इसलिए ये जो पर्व होता है ना महापर्व होता है। देखिए पापा यहाँ पे मम्मी को पैर छू रहे हैं, हर साल पापा मम्मी का जो छठ पूजा में पैर छूते हैं, मुझे तो टच करना नहीं था इसलिए मैं दूर ही खड़ी थी। और अब जो है मम्मी देखिए पूरे जो है सीढ़ी और सब कुछ सब जगह से दंडवत प्रणाम करते हुए घर के अंदर से छत पे आती है मम्मी। काफ़ी कठिन होता है भूखे प्यासे इस तरह करना, मम्मी के घुटनों में भी दर्द है, वो पालथी तक नहीं मार पाती है, लेकिन वो फिर भी वो इस जो मम्मी ने मन्नत मांगा था ना उसे वो आज तक मम्मी निभा रही है। तो छठी मैया की कृपा से तो बहुत अच्छे से मम्मी ने 11 साल दंडवत प्रणाम दिया है। छठी मैया ऐसे ही हमारे परिवार पे जो है अपनी कृपा बनाए रखे, शायद ये मेरी मम्मी का ही कर्म है जो हम लोग इतना आज आगे बढ़े हैं। मम्मी ने इतने मन से छठी मैया का व्रत किया है ना कि हमेशा उनकी कृपा हम पे बनी रहती है। फिर प्रणाम करने के बाद मम्मी आकर के यहाँ पे बैठती है, थोड़ी देर जो है सूर्य भगवान को प्रणाम करती हैं, उनकी आराधना करती हैं। और लोग जो है सूर्योदय की तो हर जगह पूजा करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में छठ महापर्व में सूर्यास्त की भी पूजा होती है, यही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। और यहाँ पे मैं साइड में बैठी हुई थी, बिल्कुल अलग थोड़ा तो फील हो रहा था मुझे कि हम लोग कुछ छू नहीं सकते हैं, बट कोई बात नहीं, अगले साल से छठी मैया की कृपा रहेंगी और हम लोग फिर से छठ पूजा करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। और अब मम्मी जो है यहाँ घाट में आ जाती हैं और नहाती हैं, यहाँ पे आकर के नहाने के बाद फिर टाइम आता है अर्घ देने का। तो अर्घ देने से पहले ना हमारे यहाँ इस तरह से हाथ में जो घर की जो बेटी या बहू होती है लेकिन वो शादीशुदा हो, वो आकर के जो है अपनी माँ को सिंदूर लगाती हैं, नाक पर से हाथ में सिंदूर और पिठार लगाती हैं, तो ये रिवाज होता है। उसके बाद ही जो है हाथ में हम लोग फिर पान और भी रखते हैं और फिर बारी आती है अर्घ देने की। और मुझे देखिए मैं यहाँ साइड में बिल्कुल खड़ी थी, बट क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकती थी, बस मैं इस बार देख रही थी और सपना को बता रही थी कि कैसे करते हैं। और अब देखिए बारी आती है अर्घ देने की। तो सूर्यास्त जो होते हैं ना सूर्योदय, सूर्य भगवान जब अस्त होते हैं तो अस्त होते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं, तो इस तरह से मम्मी गोल घूम घूम करके देती हैं। और फिर उसके बाद नहा करके मम्मी नीचे चली जाती है और हम लोग पूजा करने के बाद ना तुरंत घाट को जो है मतलब दौरा उठा करके हम लोग नहीं जाते, थोड़ी देर हम लोग सब घाट पर बैठते हैं। तो बस उसके बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अनार वगैरह फुलझड़ी और जलाते हैं, थोड़ा मज़ा करते हैं, क्योंकि भाई हमारे लिए तो छठ पूजा जो है दिवाली फेस्टिवल से कम होता नहीं है, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से छठ पूजा को मनाते हैं। अभी तो सुबह का मैं जब ब्लॉग शेयर करूँगी ना फिर देखना हम लोग कितने सवेरे हम लोग उठते हैं और क्या क्या करते हैं। तो ये था छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कि संध्या अरग का दिन, जो कि काफ़ी अच्छे से हमने मना लिया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हम लोग कैसे संध्या अरग देते हैं, क्या क्या रस्म होता है, क्या क्या विधि होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब सुबह अर्घ हम लोग देंगे और कल ही पारन का दिन है, तो कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे चौथा दिन छठ पूजा का मनाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।